जॉय फ्रेंड्स मैं एक्स कैरेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एन सी सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स ए एक बी सी में वेलकम है फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट टू वीडियो है इससे पहले मैं पार्ट वन वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स ये उन कैरेट्स के लिए जिनका ए और बी सर्टिफिकेट एग्जाम हाल फिलहाल के महीनों में होने वाला है तो फ्रेंड्स दिस वीडियो विल बी इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो तो आप चाहे किसी भी लैंग्वेज से हो आप देख सकते हैं ठीक है आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसे आएगा तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं स्टार्ट करते हैं वट इज़ नेसेसिटी ऑफ सोशल सर्विस समाज सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ी देखिए फ्रेंड्स टू इंटेंस फ्रेंटी अमोंग पीपल टू रिमूव डिफरेंस ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन एंड कल्चरल हारमोनी इन लैंग्वेज रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए भेदभाव की भावना को मिटाने के लिए भाषाओं का मेल सभी धर्मों को इज्जत बनाए रखने के लिए आगे चलते फ्रेंड्स गिव नेम ऑफ सोशल सर्विस वेयर एंड सी कैन पार्टिसिपेट डेटेट किन किन सामाजिक क्रियाकलापों में भाग ले सकता है तो देखिए ब्लड डोनेशन रक्तदान में एंटी डोरी मूवमेंट एंड दहेज निवारक अभियान में अवेयरनेस अगेंस्ट डिसीज बीमारियों के प्रति जागरूकता करके श्रमदान श्रमदान में ट्रैफिक कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल में हेल्प डोरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट अवेयरनेस इन सोसाइटी आई कैंप एंड क्लिननेस ऑफ रोड एंड स्ट्रीट अडल्ट एजुकेशन आगे चलते फ्रेंड्स गिव बेनिफिट ऑफ सोशल सर्विसेज कैडेट सामाजिक सेवा से कैडेट को क्या लाभ है तो फ्रेंड्स देखिए कैडेट के हृदय में परोपकार त्याग उदारता और दया आदि भावनाओं का प्रभाव होना कैडेट में भारत की भावना के जागृत होना कैडेट में नेतृत्व के गुण के विकसित होंगे कैडेट को नैतिक स्तर बढ़ेगा मनुष्य की ओर अग्रसर होगा डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन सेक्रिफाइस Generosity, macro, and sympathetic approach to develop the feeling and brotherhood among cadets to develop the qualities of leadership, morality will be increased, and cadets will move forward toward humanity instead of selfishness. friends, questions? राइट एनी टेन नेशनल प्रॉब्लम कोई दस राष्ट्रीय समस्याओं का नाम लिखिए तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या पॉपुलेशन ग्रोथ यानी बढ़ती हुई जनसंख्या चाइल्ड मैरिज बाल विवाह टेरिज्म आतंकवाद पुअर्टी गरीबी पॉपुलेशन मतलब पॉल्यूशन प्रदूषण की समस्या डॉरी यानी दहेज प्रथा और डेयरनेस यानी महंगाई कास्टिज्म जात पात का भेदभाव और करप्शन यानी भ्रष्टाचार हेल्थ हाइजीन से देखिए फ्रेंड्स व्हाट आर द मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन जल को स्वच्छीकरण करने की कौन कौन सी विधियां हैं तो बाय बॉइलिंग यानी उबालकर बाई क्लियरिफिकेशन यानी छान कर बाई यान फिल्टरिंग यानी फिल्टर करके बाई यूजिंग क्लोरिन गैस एंड ब्लीचिंग पाउडर एंड यानी क्लोरिन गैस ब्लीचिंग पाउडर या फिटकरी डालकर आगे देखिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के हो वट अरेंजमेंट यू विल मेक फॉर क्लीननेस इन द कैंप कैंप में सफाई है तो क्या बंदोबस्त करोगे तो कचड़े को डस्टबिन में डालना ठीक है बचा हुआ खाना निश्चित जगह पर डालना अपने कुक हाउस को अपने कमरे की सफाई करके की सफाई करके और डीटी डी का छिड़काव करना पीने का पानी स्वच्छ और साफ ढक कर रखना तो ये फ्रेंड्स कैंप के लिए था आई चलते हैं अगले आर द इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप यू योर सेल्फ हेल्थ मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए संतुलित आहार का सेवन बैलेंस डाइट सुबह जल्दी उठना गेटअप वाले इन द मॉर्निंग रात को जल्दी सोना प्रॉपर स्लीप ड्यूरिंग नाइट नाखूनों को समय पर काटना और सफाई रखना कटिंग ऑफ नेल्स, साफ कपड़े पहनना वॉशिंग क्लीन ऑफ क्लोथ्स, व्यायाम करना फिजिकल एक्सरसाइज हर रोज स्नान करना डेली बाथिंग शरीर को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना केयर एंड क्लीननेस ऑफ बॉडी पार्ट्स अगले चलते फ्रेंड्स एडवेचर में राइट फाइव नेम्स ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग पांच साहसिक प्रशिक्षणों के नाम लिखो तो पैरासेलिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, बोटिंग पैरा ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग साहसिक प्रशिक्षण उद्देश्य लिखो तो अपने अंदर साहस की भावना लेना अपने अंदर जोश आत्मविश्वास अनुशासन लीडरशिप की भावना का विकास एनसीसी की उपलब्धि को फायदे को दूर दराज फैलाना टीम वर्क में कार्य करने की भावना ऐतिहासिक स्तरों का भ्रमण टू डेवलप द स्प्रिट एडवेंचर इंक्लूड सेल्फ सेमोट कोऑपरेशन एंड टीम स्प्रिट विजिट हिस्टोरिकल प्लेस इनवायरमेंट इकोलॉजी से देखिए वॉट फैक्टर्स लीड डेफोरेस्टेशनों को लगातार uh, घटने के क्या कारण है आग जलने और मकानों के इस्तेमाल की मांग डायमंड ऑफ फायरवुड एंड बिल्डिंग मटेरियल खेती बाड़ी के पुराने तरीके ओल्ड मैथड ऑफ एक्टिवेशन फैक्ट्रियों में बढ़ती उनकी बढ़ती मांग तो फ्रेंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड माइलिंग जनसंख्या वृद्धि और जमीन की अत्यधिक मांग पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कागज अखबार की बढ़ती मांग पेपर न्यूज पेपर प्रिंटर अगले क्वेश्चन व्हाट इज पॉपुलेशन गिव इट्स काइंड Şi, कितने प्रकार का होता है तो दे आर टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन मैनमेड पॉल्यूशन एंड नेचुरल पॉल्यूशन तो प्रदूषण दो प्रकार होते हैं ठीक है देखिए सॉरी तीन प्रकार है जल प्रदूषण पॉल्यून साउंड पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन आगे चलते हैं राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोविंग आपको फुल फॉर्म बताना आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है री अमाउंट रीअमाउंट्री क्रॉप एमसी का आर्मी मेडिकल क्रॉप ए एस सी का आर्मी सर्विस क्रॉप एनसी का नेशनल कैडेट क्रॉप एओसी का आर्मी ऑर्डिडेंस क्रॉप्स

इंजीनियरिंग सिग्नल एस सी मैप रिटिंग का साइन बनाना है किले का साइन बनाना है ब्रिज बनाना है फुटपाथ बनाना है ड्राइवेल सूखा कुआं बनाना इसका कन्वेंशनल साइन आपको बनाना है राइट द टाइप ऑफ नॉर्थ उत्तर कितने प्रकार के होते टाइप्स ऑफ नॉर्थ टू नॉर्थ ग्रेट नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ वास्तविक उत्तर मानसिक उत्तर और चुमकीय उत्तर राइट फाइव नेम्स ऑफ कंपास और कंपास सॉरी राइट फाइव नेम्स ऑफ कंपास फाइव नेम्स ऑफ कंपास कंपास के पांच हिस्से प्रेजमेटिक नाम भी खे. तो प्रीम केस रिंग नोथ नोच और ग्लास प्रोटेक्टर डिफाइन कंटूर कंटूर किसे कहते हैं अ लाइन ड्रॉ ऑन द मैप ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट अबोव सी लेवल समुद्र तेल से समुद्र की ऊंचाई वाली ग्रीड रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को कंटूर कहते हैं

सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं तो आर सिक्स टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन सिंगल फाइल फॉर्मेशन फाइल फॉर्मेशन डायमंड फॉर्मेशन एरो हैंड फॉर्मेशन स्पेयर हैंड फॉर्मेशन फॉर्मेशन एंड एक्सटेंडेड राइट मैथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस फासला का अनुमान लगाने कौन कौन से तरीके हैं यूनिट मैथड इकाई का यानी अपीरेंस मैथ दिखाई का साउंड मैथड आवाज का बेयरिंग बेयरिंग का सेक्शन मैथडी सेक्शन का औसत का राइट डाउन टाइप्स ऑफ ग्राउंड

ऑयल बोतल उसके बाद कॉम्बिनेशन टूल स्क्रू ड्राइवर गैस रेगुलेटिंग की चैम्बर सिलेंडर क्लीनिंग की ब्रश अब आगे देखें इफेक्टिव रेंज ऑफ पॉइंट टू टू राइफल कितना होता है तो पच्चीस गज पच्चीस गज होता है caliber of, uh, point, uh, caliber of SLR कितना होता है तैंतालीस इंच होता है द वेट ऑफ एम टी सेवन पॉइंट सिक्स टू एम एम एस एल आर कितना होता है फोर पॉइंट वन के जी होता है आगे देखें सेफ्टी प्रशन शुड बी टेकन बिफोर हैंडलिंग एंड यूजिंग वेपन किसी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सुरक्षा लेना चाहिए इंश्योर श्योर डेट चैम्बर इज एम टी यकीन करो चैम्बर खाली है मैगजीन इज एम टी मैगजीन खाली है सेफ्टी कैच इज ऑन एस सेफ्टी कैच एस्ट पर है वेपन इज सर्विस सर्विसबल एंड कंडीशनल हथियार सर्विस कंडीशन में है वेपन एट एनी अदर पर्सन किसी व्यक्ति की तरफ वैरल नहीं होना चाहिए आगे चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन हाउ मेनी कमांड इंडियन आर्मी इज डिड ऑल्सो राइट प्लेस ऑफ देयर हेडक्वार्टर भारतीय सेना के इलाकों के भारतीय सेना को इलाके के हिसाब से कुल कितने कमांड में बांटा गया है उनका नाम लिखिए देखिये इंडियन आर्मी सेवन से, से उसमें बांटा गया है इंडियन आर्मी डिवाइडेड इन सेवन कमांड नॉर्थन कमांड उधमपुर ईस्टर्न कमांड कोट कैलकाटा साउथर्न कमांड पुणे वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर सेंट्रल कमांड लखनऊ ट्रेनिंग कमांड शिमला और साउथर्न वेस्ट कमांड जयपुर द सुप्रीम कमांड ऑफ एयर फोर्स इज वेस्ट कौन होता है द प्रेसिडेंट होता है द आर्मी हेड क्वार्टर इज लोकेटेड कहाँ पे है तो ये आपका दिल्ली में मेजर विक्रम बत्रा इज पीवीसी परमवीर चक्र विजेता है द एनसीसी इज डिडेड इन थ्री विंग्स ठीक है आर्मी नेवी और एयरफोर्स में आई एम लोकेटेड इट कहाँ पे आई एम ए देहरादून में, में। समझ में आया होगा प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग आई एम प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जय हिंद जय भारत